एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक तुपटा। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th में अपना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ा था। अब जो कि हमारा एक थर्ड चैप्टर है बायो का ही, अवर एनवायरनमेंट, उसको हम करते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आएंगे। पहले हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, देन फिर हम अपने क्वेश्चंस पे मूव करेंगे कि किस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में टर्म टू में आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे, राइट। तो फर्स्ट देखिए, इसमें हमारा है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, हम इसमें पढ़ेंगे, एज अ डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। देखिए, सब्सटेंसेज दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकली प्रोसेस, किसी भी बायोलॉजिकली प्रोसेस के थ्रू जो भी सब्सटेंस आपके ब्रेकेबल हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन किए जाते हैं, आर सेड टू अ बी अ बायोडिग्रेडेबल। आप उन्हीं सब्सटेंसेज को क्या बोल सकते हो? बायोडिग्रेडेबल। दीज सब्सटेंसेज आर डिकम्पोज थ्रू द एक्शंस ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो भी हमारे सारे एज अ सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड सनलाइट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिशंस। अब इसमें हमारे ये जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एज अ टेम्परेचर हो गया एंड सनलाइट हो गया, तो ये उसको डिकम्पोज करने में एज अ अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज को। एज एग्जाम्पल, फूड वेस्ट, जो हमारा खाना बेकार हो जाता है जब उसकी सनलाइट आती है और कुछ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। ट्री लीव्स होती हैं, यूरिन एंड फीकल मैटर, सीवेज, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, पेपर, वुड्स, क्लोथ एंड काउडंग, दीज आर ऑल द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपको 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है कि डिफाइन द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या फिर आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। सब्सटेंसेज दैट आर नॉट, अभी हमने देखा बायोडिग्रेडेबल जो हो जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, इन द सेंस जो डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। और नॉन मीन्स जो डिकम्पोज नहीं होगा, तो नॉन हो गया वो हमारा। सब्सटेंसेज दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकली प्रोसेस, दी सब्सटेंस मे बी इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म। अब ये सब्सटेंसेज आपके लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। दी सब्सटेंस आर इनर्ट एंड सिंपली प्रसिस्ट इन द एनवायरमेंट, सिंपल भी होते हैं, सिंपल प्रसिस्ट होते हैं हमारे एनवायरमेंट में फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में जितने भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनको क्या कर सकता है? एज अ हार्म कॉज कर सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं इसमें आपके, दीज इंक्लूड्स DDT। यहाँ पे अब DDT इंपॉर्टेंट है। DDT कैसे आपको फुल फॉर्म पूछता है, DDT की फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, पॉलिथीन बैग्स, ग्लास, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एंड दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आर मेजर पॉल्यूटेंट। दे कॉज अ पॉल्यूटेंट, वाई? बिकॉज दे कांट बी डिकम्पोज ऑफ द एनवायरमेंट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये आपके कुछ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे मतलब आप बोल सकते हो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऐसा डायरेक्टली हार्मफुलनेस कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आप पिक्चर्स देख रहे हो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी हमने पढ़ा जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, या फिर जो आपके डैमेज फ्रूट्स हो जाते हैं, डैमेज इन द सेंस जो आपके सड़ जाते हैं, रॉटन वाले फ्रूट्स होते हैं ना, और जब पील्स ऑफ फ्रूट्स, जो भी आपके इसके फ्रूट्स के छिलके होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? एज अ डिकम्पोज हो जाते हैं। कब? जब वो आपके सॉइल में आते हैं, जब सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएंगे, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस होंगे, उनकी एक्टिविटी होगी, तो वो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आपका हेयर, हेयर भी क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। पेपर भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। यहाँ पे आपने देखा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपका प्लास्टिक बैग हो गया, इसमें कुछ हार्डवेयर्स के आपके कुछ भी ऐसे कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, जो इजीली से डिसॉल्व नहीं होते, एंड प्लास्टिक बॉटल्स, राइट। तो ये आपके किसके एग्जांपल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है इसमें हमने कुछ डिफरेंसेस करके लेके पढ़ा है। अभी हमने एकदम कॉमन पढ़ा था, हम इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे सिंपल सा डिफरेंसेस है, द वेस्ट दैट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय द माइक्रोबियल एक्शंस के थ्रू जो डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं, दीज आर कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये वाला आपका यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। राइट, द वेस्ट दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स, इसमें आता है, इसमें आपका बायोडिग्रेडेशंस फॉर्म्स अ हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स। जो आपका बायोडिग्रेडेशंस होता है वो बहुत ही लेस हार्मलेस होता है एंड नॉन पॉइजनस होता है। बट ये कैसा होता है? ये यहाँ पे नो सच एक्शन इज पॉसिबल, यहाँ पे हार्मफुल होगा एंड आपका पॉइजनस प्रोड्यूस करेगा ये, ओके, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स कर रहे हैं ना।
पॉल्यूटेंट को कॉज करेगा. दे रिलीज रॉ मटेरियल्स बैक टू नेचर. जो इनके रॉ मटेरियल्स होते हैं वो नेचर से बैक आ जाते हैं. दोबारा से आपको हम उसको रियूज कर सकते हैं, ओके, रिसाइकलिंग कर सकते हैं उसकी. बट दे डू नॉट रिलीज रॉ मटेरियल्स. यहाँ पे इसमें आपके जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो डायरेक्टली बाद में आपके यूज नहीं हो सकते. नेक्स्ट, दे पॉल्यूट द एनवायरमेंट ओनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन अ क्वांटिटी बियॉन्ड द कैपेसिटी द एनवायरमेंट ऑफ टू डिग्रेड दैम. जब आप उसको डिग्रेड कर दोगे तो उनकी क्वांटिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो उसको दोबारा से रीयूज कर सके. देन फिर हम दोबारा से एनवायरमेंट उसको प्रोड्यूस कर सकें. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट द एनवायरमेंट इवन इन अ स्मॉल क्वांटिटी. ये हमारी कैसी होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है एज अ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में हमारा अब अ लॉट ऑफ स्पीशीज आर इंट्रैक्शंस टू ईच अदर. मोस्ट ऑफ स्पीशीज में इंट्रैक्शंस होता है. जब वो इसमें इंट्रैक्शंस होगा तभी आपस में स्पीशीज अपने आगे क्या कर पाएंगी, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू में ले पाएंगी. मतलब उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी, वो प्रॉपर रिप्रोडक्शंस कर पाएंगी. इसी वजह से मोस्ट ऑफ स्पीशीज में इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है. अगर इंट्रैक्शंस नहीं होगा तो वो अपने आप को, या किसी भी स्पीशीज कोई भी विदाउट इंट्रैक्शंस अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगी. ओके, तो देखते हैं इसमें इंट्रैक्शंस किसके बीच में होता है और कौन कैसे इंट्रैक्शंस करता है. An ecosystem is a self-contained unit of living things, plants and animals and decomposers. अब इसमें हमारी living things हैं और कुछ हमारी non-living things, दोनों के बीच में आपस में interactions होता है. Meaning, living things में हो गया हमारा plants, animal and decomposers. उसके एंड देयर non-living में environments में क्या आता है, हमारा soil, air and water. Okay? For example, a forest, a pond, a lake, a green land, etc. In an ecosystem, energy and matter are continuously exchanged between the living and non-living components. अब आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आपको पता है जो सारी डिफरेंट, जैसे आपको पता है फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में क्या एक जैसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं? नो, वहाँ पे मतलब स्मॉलर लेवल से जो स्पीशीज है वहाँ पे हायर लेवल तक स्पीशीज जाती है. सेम केस आपका पॉन्ड का हो गया. वहाँ पे छोटे छोटे आपके फाइटोप्लैंकेटॉन्स होते हैं, ज़ूप्लैंकेटॉन्स होते हैं. उसके बाद आप क्या देखते हो, थोड़ी स्मॉल फिशेज होती हैं, देन फिर उनके कुछ लार्वास भी होते हैं. उसके बाद आगे आइए और बड़ी फिशेज आपको मिलेंगी, है ना. तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ मिलती हैं. लेक में भी सेम यही केस है, ग्रीन लैंड में भी यही होगा. ठीक है, तो आपस में दोनों के बीच में क्या होगा, एक आप बोलोगे यहाँ पे एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल होता है यहाँ पे. ठीक है, एन इकोसिस्टम कैन बी बोथ नेचुरल एंड मैनमेड. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इकोसिस्टम होता है वो हमारा नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम आर द ग्रास लैंड. जैसे आपका कुछ नेचुरल इकोसिस्टम है वो ग्रास लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सी रिवर हो गया, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. ओके, और अगर आप बात करोगे मैनमेड की, तो मैनमेड में आपने एक्वेरियम फॉर्म कर लिया, राइट. तो एक्वेरियम इन द सेंस हमने वो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म किया. ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम. पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, इसमें आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज दिख रही है. ठीक है, जैसे फर्स्ट स्पीशीज हो गई हमारी प्रोड्यूसर्स हो गई, उसके बाद जो कि हमारी रॉटेड प्लांट्स पर है. इसके बाद आपने देखा प्रोड्यूसर जो है वो हमारा फाइटोप्लैंकेटॉन्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन थर्ड इज टर्शियरी कंज्यूमर. तो बेटा ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं जो एक अलग अलग अपने ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर हो गई वो आपकी फाइटोप्लैंकेटॉन. फाइटो मतलब जो प्लांट्स में छोटे छोटे टाइप के प्लांट्स होते हैं. ठीक है, विच प्रेजेंट्स इन एक्वेटिक मतलब वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स के आपके हो गए ज़ूप्लैंकेटॉन. ठीक है, जैसे आपने आप देखा फाइटोप्लैंकेट प्रोड्यूसर से प्राइमरी पे आया, प्राइमरी इन द सेंस प्रोड्यूसर्स पे. ठीक है, देन फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स पर आया, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी पर आया, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में हो गई फिश, और फिश के बाद फिश से और बड़ा कौन है, टर्शियरी कंज्यूमर एज अ टर्टल, जो उसको भी खा लेगा, फिश को भी खा लेगा. ठीक है, यहाँ पे इसमें आपने देखा ये आपके छोटे छोटे ज़ूप्लैंकेटॉन्स होते हैं. इसमें आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे आप एनिमल्स बोल सकते हो. ठीक है, जैसे फाइटो मतलब प्लांट्स और ज़ू मतलब एनिमल्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर आपका हो गया फिश एंड टर्शियरी कंज्यूमर हो गया आपका टर्टल. अब जब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा. डिकम्पोज इसे कौन करेगा, ऐसा बैक्टीरिया एंड फंजाई इसे डिकम्पोज कर देंगे सेडिमेंट्स में. देन फिर ये डिजोल्व हो जाएगा केमिकल्स में, फिर वो यूटिलाइज हो जाएगा, फिर वो दोबारा से साइकिल रिगेन हो जाएगी. तो ये हमारा एग्जा एग्जाम्पल किसका है, पॉन्ड इकोसिस्टम का. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट में आपको आपको दिखता है यहाँ पे ये हमारा फॉरेस्ट वाला हो गया. ये किसका एग्जांपल है आपका, फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपने क्या देखा, देखो इसमें आपको बहुत बड़ा ये पेड़ सा दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे इसमें आपने देखा कि यहाँ पे इसमें आपकी रूट्स होंगी,
ऑब्वियसली बात है, जब पेड़ है यहाँ पे हमारा ट्री है, तो उसके ट्री हैव आर रूट्स एंड दे हैव टू एबिलिटी टू कैच द मिनरल्स, टू कैच द वाटर फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से क्या करता है, वाटर को कैरी करता है. यहाँ से इसने वाटर कैरी कर लिया, ठीक है. सेडिमेंट्स, सोल्यूबल मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स भी हमारे सोल्यूबल्स हैं, ठीक है. अब जब इसने कर लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी आपने आपको ग्रो कर लेगा, और ये आपका क्या है, ये प्रोड्यूसर्स है. कहाँ से प्रोड्यूसर्स हुआ, ये आपको पता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वैन इट टेक फ्रॉम द एटमोसफेयर सी ओ टू. जब ये एटमोसफेयर से सी ओ टू लेता है, देन ये रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इन टू द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया इसने, ठीक है. तो ये तो हमारी फोटोसिंथेसिस में आती है, ठीक है, हमें पता है. अब ये आपके प्रोड्यूसर्स हो गए ग्रीन प्लांट से, अपना खाना खुद ही प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस से. ये आपका प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हो गया, ये फॉलिंग लीव्स एट द ट्री, छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती है वो भी आपकी डिकम्पोज हो जाती हैं. अब आपने क्या देखा, यहाँ प्रोड्यूसर से फिर आइए प्राइमरी कंज्यूमर आया, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर आया, ठीक है. तो प्राइमरी कंज्यूमर आपका यह हो गया रैबिट. रैबिट में इसके बाद इसको कौन खा लेगा, इसको खा लेगा ऐसा फॉक्स खा लेगी. और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद भी फॉक्स को कौन खा लेगा, ऐसा टाइगर आ जाएगा, टाइगर उसे भी खा लेगा. तो वो आपका टर्सरी लेवल का कंज्यूमर हो गया, दैट मीन्स इज अ टॉप कार्निवोरस, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें आपने देखा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में किस तरीके से ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग स्पीशीज अपने आप में सेपरेट आउट है, एंड सबकी अपनी एनर्जी लेवल भी अलग अलग है, ठीक है. और कौन किसको आके खा ले रहा है. अच्छा, ये खाना भी ज़रूरी है, अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है. तो उसको बैलेंस बनाने के लिए उसको एक दूसरे को खाना भी ज़रूरी है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द डेजर्ट ग्रास लैंड एंड माउंटेन रिप्रेजेंट द टेरिस्टल इकोसिस्टम. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपके टेरिस्टल के हैं. लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, द पॉन्ड रिवर लेक एंड सी रिप्रेजेंट द एक्वेटिक इकोसिस्टम. इसमें आपका क्या है, वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है. मैनमेड में क्या आता है, इसमें आपका कुछ गार्डन्स आ जाते हैं जो कि प्लांटिंग को जनरेट करते हैं, क्रॉप फील्ड्स होती हैं, पार्क एंड एक्वेरियम होता है, ठीक है. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम अभी हमने देख लिया, एक नेचुरल देखा और एक मैनमेड, उसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे. अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं. देर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज एबायोटिक. बायोटिक एबायोटिक में क्या होता है, देखो जरा इस पिक्चर से देखते हैं. बायोटिक मीन्स इज अ लिविंग, बायो मीन्स तो आपको पता ही है लिविंग होता है, पढ़ते आए हैं, है ना. और एबायोटिक मीन्स इज अ नॉन लिविंग. तो बायोटिक में आपका प्लांट्स आ गए, ठीक है, एनिमल्स आ गया, बैक्टीरियाज आ गए, फंगस आ गए एंड प्रोटिस्टास आ गया. दीज आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स. वेयर इज एबायोटिक कंपोनेंट्स इज अ सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट एंड वाटर, एंड पीएच टेम्परेचर आ जाएगा इसमें, आपका लाइट को ही लेकर आ गया. तो ये आपके क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ओके. चलिए जी नेक्स्ट, अब देखते हैं अपना हमारा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, हबीवोरी, ओमनीवोरी, कार्निवोरी कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं, देखते हैं. प्रोड्यूसर्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन कैन प्रोड्यूस देयर फूड्स. जितने भी आपके ब्लू ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शुगर्स एंड स्टार्च को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू अ केमिकल एनर्जी. अब जो सनलाइट से जो लाइट एनर्जी ट्रैप करी थी, अब जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. वो केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी है हमारी ग्लूकोज जो बन रही है. ग्लूकोज इन द सेंस, अब जो प्लांट में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लियर. Therefore, all green plants are called producers. Most of जितने भी आपके green plants होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, producers होते हैं. They are also called autotrophs. आप उन्हें autotrophs भी कहते हैं. Planktons are very minute and microscopic organism, freely floating on the surface of water in a ponds. वो पॉन्ड में बहुत ही फ्रीली तरीके से आराम से मौत से अपना घूमते हैं, लेक में, रिवर्स में, ओशियंस में, ओके. Planktons are two types. Planktons आपके two types के होते हैं. First is phytoplanktons and zooplanktons. द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फाइटोप्लैंकटन्स. जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो फ्री फ्लोट करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ एक्वेटिक या वाटर बॉडीज, दीज आर कॉल्ड द फाइटोप्लैंकटन. द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन अ वाटर. अब जो एक्वेटिक जो एनिमल्स वाटर बॉडीज में ही जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स होते हैं जो वो फ्लोट करते हैं उनको बोलते हैं आप ज़ूप्लैंकटन. द फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआज आर एग्जाम्पल ऑफ जू प्लैंकटॉन. जैसे कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो एग्जाम्पल है आपके जू प्लैंकटॉन का. तो अभी आपने यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल भी देखा कि जू प्लैंकटॉन क्या कौन होते हैं और फाइटो प्लैंकटॉन कौन होते हैं. इसमें आपने अभी प्रोड्यूसर्स भी देखे, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में क्या होता है, दे आर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स एज देयर फूड. अपने फूड को प्रिपेयर करना वो भी किसी और से, तो वो क्या है, कंज्यूमर्स हैं.
ऑल एनिमल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, मोस्ट ऑफ एनिमल्स इस कैटेगरी में हमारे बिलोंग करते हैं. द कंज्यूमर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब हम लोग जो है वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, हम इन द सेंस ह्यूमन बींग भी और कुछ एनिमल्स भी, मोस्ट ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं आपके डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है, अपने फूड को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए. दे गेट देयर फूड बाय द ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म टू देयर प्रोडक्ट्स. अब उनके प्रोडक्ट्स, उनका जो जैसे प्लांट है, प्लांट को हम खाते हैं, प्लांट को हम कैसे खाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, हम फ्रूट्स को खाते हैं, वेजिटेबल्स को खाते हैं, ठीक है, तो हम वो चीज़ हैं, हम वो खा रहे हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो बाय ईटिंग जो उन्हें ही खा जाते हैं, है ना, तो वो आपके क्या कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड है, कुछ देयर उनके प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड है. फॉर एग्जांपल मैन, गॉड, डियर, फिश, लायन, काउ, बफेलोस एक्सेट्रा आर द कॉमन कंज्यूमर्स. ये सब क्या हैं, कॉमन कंज्यूमर्स हैं, आराम से कंज्यूम करती हैं. द कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू अ फॉलोइंग थ्री, मतलब फॉलोइंग वेज, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज आपके हर्बीवोरी, कार्निवोरी, पैरासाइट, ओमनीवोरी. हर्बीवोरी का मतलब जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरी का मतलब क्या हो गया जो आपका फ्लैश खाते हैं, पैरासाइट मतलब दे ग्रो ऑन अ अदर बॉडी, एक होस्ट बॉडी पे ग्रो करते हैं, ठीक है, एंड दे कॉज अ डिसीज़. ये इसकी एक बहुत ही इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि भाई ये न्यूट्रिशन भी लेता है, साथ साथ दूसरे को डिसीज़ भी पहुँचाता है, ठीक है. ओमनीवोरी, वी कैन ईट अ फ्लैश, फ्लैश भी खाएगा एज वेल एज आपका प्लांट्स भी खाएगा, ग्रीन प्लांट्स भी खाता है, वो आपके ओमनीवोरी हो गए. चलिए अब इसमें आपने देखा यहाँ पे आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं. अभी आपने प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स आपने देखा, तो ये देख लो एक बार थोड़ा सा. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आपका प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, ठीक है, सेकेंड के बाद आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ गया बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आपका टर्सरी कंज्यूमर. आपको ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, सेम एज यहाँ पे प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका टर्सरी कंज्यूमर, एंड दिस इज द एपेक्स प्रेडेटर्स. अब इसमें एग्जांपल देखिए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, हर्बीवोरी हो गए, इंसेक्ट्स और आपके रैबिट्स आ गए, कार्निवोरस इसमें हो गए आपका फ्रॉग आ गए, स्कॉर्पियन आ गई, फिश आ गया, सेकेंडरी कार्निवोरस में आपके स्नेक आ गया, ठीक है, वॉल्फ आ गए, इसमें आपके वल्चर, ईगल, लायन एंड टाइगर, ये आपके एपेक्स प्रेडेटर्स हैं. और यहाँ पे आपने देखा कि हर लेवल पे आपको डिकम्पोजर्स मिलेंगे. हर ऑर्गेनिज्म को क्या करना, डिकम्पोज करना, किसका काम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स इन द एज अ बैक्टीरिया, वायरस, वो सब, ठीक है. चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा हर्बीवोरस. हर्बीवोरस में क्या होता है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म एनिमल विच गेट देयर फूड बाय ईटिंग द प्रोड्यूसर्स. अब जो प्रोड्यूसर से अपना खाना लेते हैं और प्लांट्स डायरेक्टली, हर्बीवोरी आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर. जो आपके हर्बीवोरस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरी आर डियर, रैबिट, रैट, स्क्वायर, गॉट एंड कैटल्स. अभी आपने देखो पिक्चर्स देखी, ये रहा हर्बीवोरी हो गए, और ये आपके क्या है बच्चे, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, जो हर्बीवोरस को जो खाते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स को जो खाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज हमारा कार्निवोरस. कार्निवोरस में क्या आता है, दीज आर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स विच कंज्यूम अदर एनिमल्स. अब आप कहोगे मैम आप हमें हर्बीवोरी, कार्निवोरी, ओमनीवोरी क्यों पढ़ा रहे हो, हमने तो 8th क्लास में पढ़ लिया. यस, आपने पढ़ लिया, बट इसमें आपके जो बेटा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो आपके ट्रॉफिक लेवल्स पे आते हैं, जिसमें आपकी फूड चेन, फूड वेब आती है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है. देयरफोर कार्निवोरी फीड्स ऑन द फ्लैश. जो कार्निवोरस क्या करते हैं, वो ओनली फ्लैश खाते हैं ऑफ द हर्बीवोरस का. दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर. और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर जो होते हैं, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द स्नेक, वाइल्ड कैट, जैकाल, फ्रॉग, सम बर्ड्स एंड फिशेज. देयर आर एनिमल्स विच प्रे अपॉन प्राइमरी कार्निवोरस. अब जो प्राइमरी जो कार्निवोरस होंगे उसको जो प्रे करेंगे, दे आर कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर. उनको क्या बोलते हैं, हम सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं. और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल आउल, पीक, टाइगर, लायन, सम सेकेंड ऑर्डर कार्निवोरस एंड द मे बी ईटन बाय द थर्ड ऑर्डर कार्निवोरस. इनके थ्रू ये खा लिए जाते हैं. सेकेंड ऑर्डर कार्निवोरस जो होते हैं आपका थर्ड ऑर्डर कार्निवोरस के थ्रू ईटअप कर लिए जाते हैं. द कार्निवोरस विच आर नॉट प्रेड अपॉन फर्दर एंड कॉल्ड टॉप कार्निवोरस. अब जो थर्ड है, थर्ड के ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा शेर है, वो सबको खा सकता है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल लायन इज अ टॉप कार्निवोरस. लायन क्या है आपका, टॉप कार्निवोरस है, वो सबसे सुपीरियर, एकदम सबसे हाईएस्ट में एनर्जी है, वो सबको खा सकता है, ठीक है, आपका टॉप कार्निवोरस है. नेक्स्ट आता है इसमें आपका ओमनीवोरी. ओमनीवोरी में क्या आएगा, द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरी. अब जो ग्रीन प्लांट्स भी खाता है, फ्लैश भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है, दोज आर कॉल्ड द ओमनीवोरस. ह्यूमन बींग्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस. अब ह्यूमन बींग सबसे आगे हो गया, वो क्या करेगा, वो ग्रीन प्लांट्स को भी खा सकता है और साथ साथ आपके एनिमल्स को भी खा सकता है, फ्लैश को भी खा सकता है.
बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, यहाँ पे इसमें एंड एनिमल्स भी आएगा, एंड एनिमल्स. चलिए एज एग्जाम्पल, पल्सिस, ग्राम, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, यहाँ पे इसने खा लिया. अच्छा, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है. ठीक है, चलिए प्लांट्स में अपना ये प्लांट्स खा जाते हैं. उसके बाद एनिमल्स में आपका मिल्क, मीट, एग्स, ये भी खा सकते हैं. तो आपका ये ओमनिवोरी हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू द सिंपल वर्म. अब जो भी आपके कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो डेड बॉडीज होती हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं एज अ सिंपलर वर्म में. ठीक है, द डिकम्पोजर्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको हेल्प करते हैं एज अ जो रिप्लेनिशमेंट्स होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके थ्रू उसको रिप्लेनिशमेंट कर देते हैं. दैट मीन्स उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेप्रोट्रॉफ्स, मीनिंग वो रॉटन एरिया पे जाके ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, उसको कन्वर्जन करने का काम कर रहे हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसर. उसको क्या कर रहे हैं? रिड्यूसर, मीनिंग उसको आप दोबारा से रिड्यूस कर दोगे. जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो डेड हो गया, जब आपने उसको खत्म कर, जब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो उसको वो हेल्प कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी हेल्प कर रहे हैं कि भाई उसको रिड्यूस कर सकें, उसको खत्म कर सकें. तो इसलिए वो क्या कहते हैं? उसको रिड्यूसर्स भी बोलते हैं. चलिए अब देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स. इसमें एग्जाम, इसमें क्वेश्चन पुट अप होता है कि वॉट हैपन इफ डिकम्पोजर्स आर अब्सेंट. अगर डिकम्पोजर्स की प्रेजेंस नहीं होगी, वो अब्सेंट होंगे, तो इनकी इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, उनका क्या रीज़न है कि भाई वो प्रेजेंस है, या क्या मेन हेल्प करते हैं वो अपना? डिकम्पोजर्स हेल्प इन आर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट. वेस्ट को डिस्पोज करने में हेल्प करते हैं, एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स की एंड एनिमल्स की. देयरफॉर दे कैन क्लीन द एनवायरमेंट्स एंड क्रिएट स्पेस फॉर आर लिविंग ऑफ न्यू ईयर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो भी ऑर्गेनिज्म न्यू जनरेट हो रही है, उसके लिए ऑर्गेनिज्म के लिए प्लेस क्रिएट कर रहे हैं. अगर बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स की अगर डेथ होती रहेगी तो डेड बॉडीज कलेक्ट हो जाएंगी. तो वहाँ पर अगर वो ख़त्म ही नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए स्पेस कहाँ होगा न्यू जनरेशन के लिए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द डिकम्पोजर्स रिलीज मिनरल्स. डिकम्पोजर्स क्या करेंगे बच्चे? मिनरल्स भी रिलीज करते हैं एंड अदर रॉ मटेरियल्स ट्रैप्ड इन अ ऑर्गेनिक मैटर. कहाँ से करते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर से ट्रैप किया जाता है. दीज आर पिकअप बाय प्लांट्स. तो कहाँ से पिकअप करते हैं? बाय प्लांट्स से. दीज ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अब डिकम्पोजर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले और हो गया कि वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं. द डिकम्पोजर्स प्रोड्यूस सम्स एसिड्स विच आर यूजफुल इन अ सोलिबलाइजेशन ऑफ सम मिनरल्स. मीनिंग जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होती है कि वो सोलिबलाइज कर देते हैं. ठीक है, किसी भी मिनरल्स को. डिकम्पोजर्स हेल्प इन अ रिसाइकलिंग द मटीरियल्स इन द बायोस्फेयर. बायोस्फेयर में रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं. सो दैट द प्रोसेस ऑफ लाइफ मे गो ऑन लाइक एंड अनएंडिंग चेंस. मतलब ये अनएंडिंग चेंसेस ही, कभी एंडिंग्स नहीं है, ये चलती रहती है, रिसाइकलिंग होती रहती है. क्लियर, या डिकम्पोजर इसको रिसाइकलिंग करने में उसको हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या करते हैं कि दीज आर द नॉन लिविंग. बायोटिक में आपने लिविंग देखा था, जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसमें एनिमल्स आ रहे थे, कंज्यूमर्स आ रहे थे, है ना, और हर्बीवोरी, कार्निवोरी, ओमनिवोरी आ रहे थे. इसमें आपने देखेंगे ये एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. दीज इंक्लूड द फिजिकल एनवायरमेंट्स. यहाँ पे फिजिकल एनवायरमेंट्स इंक्लूड्स होते हैं एज अ एडेफिक फैक्टर्स लाइक सॉइल टेक्सचर्स, टोपोग्राफी, वाटर एंड एयर. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम्स. दीज आर इन्वॉल्व इन द साइक्लिक ऑफ मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम. किसी भी इकोसिस्टम में जब कोई भी साइकिल चलती है, तो उसको क्या करते हैं? साइकिल चलना इन द सेंस, जो आपकी मिनरल्स आयंस की जो साइकिल होती है ना, वो जब होती है, तब से अपना हमारा जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, दीज लार्जली फ्रॉम द लिविंग बॉडी. लिविंग बॉडी से के फॉर्मूला से होते हैं ये, एंड लिंक टू द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और बाकी कनेक्शंस रखते हैं बायोटिक टू एबायोटिक में. नेक्स्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमारा क्या आता है? दीज आर द सनलाइट टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर्स, रेनफॉल, एंड दीज फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज अ इस लेवल पे, भाई सबका एक टेम्परेचर टॉलरेंसी ऑफ टेम्परेचर लेवल अलग होगा, प्रेशर लेवल अलग होगा. क्या हर ऑर्गेनिज्म हर टाइप के प्रेशर को टॉलरेट कर पाएगा? नहीं. ह्यूमिडिटी को टॉलरेट कर पाएगा? नहीं. ठीक है, तो सब में अपना अलग अलग होता है. इकोसिस्टम इंडिकेट अवेलेबल सोलर एनर्जी एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू ट्रैप द सेम. बट इकोसिस्टम क्या करता है? जो अवेलेबल जो सोलर एनर्जी है वो सेम एफिशिएंसी होती है कि उसको ट्रैप कर सके. इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल असेंशियल मिनरल्स एंड देयर रिसाइकलिंग पीरियड. अब जो भी मिनरल्स को लेते हैं उसमें फिर वो से वो रिसाइकलिंग हो जाती है उस प्रोसेस में.
इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द वेब ऑफ इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पॉपुलेशन एज वेल एज अ बिटवीन पॉपुलेशन एंड द एबायोटिक एनवायरमेंट्स. इनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है एज अ पॉपुलेशन के बीच में एंड द एबायोटिक के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरचेंजेबल होता ही रहता है. ठीक है. इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये हमारा जो क्लाइमेटिक फैक्टर है ये हमारा ये भी कंट्रीब्यूट करता है कि भाई हम ये देख सकें या फिर हम ये इसके बारे में समझ सकें कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व भी करके रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जितना भी मिल रहा है उसमें बहुत उसको वेस्ट फॉर्म में आप उसको यूज़ कर रहे हो. अगर आपको उसको मतलब वेस्ट फॉर्म इन द सेंस अभी आपको यूजेबल नहीं है, अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी आप उसको वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. तो वो नेक्स्ट जनरेशन हमें नहीं मिल पाएगा आगे. Resources protections from the pollutions and input required for the maximized productivity. अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी input है required कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा use कर रहे हैं और हम उसको waste कर रहे हैं. ठीक है. Next देखिए, in the ecosystem two processes of the energy flow and the biogeochemical cycle in the sense nutrient movements proceed side by sides. वो move करती रहती है. The energy flow is unidirectional while the movements of nutrient is cyclic. अभी हम इसमें आगे एक पढ़ेंगे अपना फूड चेन और फूड वेब. जो हमारा फूड चेन होगा वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होगा और जो फूड वेब होगा वो उसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ का कंट्रीब्यूशन होगा. जब आपस में स्पीशीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे इंट्रैक्शंस करेंगे तो वह कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. फूड चेन एंड फूड वेब ट्रॉफिक लेवल्स फ्लो ऑफ एनर्जी एंड 10% लॉ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मोड ऑफ वेस्ट. यस, इसके आगे हमें ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो हम अब आगे करने वाले हैं. ओके चलिए देखिए, फर्स्ट हमारे इसमें टॉपिक आता है फूड चेन. फूड चेन इंपॉर्टेंट है. आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, तो आपको ये डिफरेंस बताना है. ठीक है. या फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई फूड चेन हैव ओनली अ 3 to 5 steps. फूड चेन में आपके 3 to 5 step ही क्यों होते हैं, वेयर एज फूड वेब इज़ अ मैनी स्टेप्स, बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं. ठीक है. तो देखिए, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन. वन ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम किया, सेकेंड ऑर्गेनिज्म को उसमें ट्रांसफर कर दिया, वही एनर्जी आपकी क्या है एज अ फूड चेन है. चैन के फॉर्म में जो चल रही है, जैसे आपका ये सीक्वेंस है, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड फूड चैन. बट फूड वेब का मतलब क्या है, जैसे सपोज एक ये है, ये इसने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, ये इससे भी ले लेगा, ये इससे भी ले लेगा, इससे भी, ये इससे भी ले सकता है, यहाँ से तो ये तो हो गया, ये भी ले सकता है. तो पूरी ये डायरेक्ट इसके पास भी जा सकता है, ये इसके पास भी जा सकता है, ये डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है. ठीक है. अब फूड चेन इज़ अ यूनिडायरेक्शनल होता है, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन अ ओनली वन डायरेक्शन. वन डायरेक्शन में ही सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना फूड चेन में. और आप इसको सिंपल वे में ये भी बोल सकते हो कि फूड चेन इज सिक्वेंशियल प्रोसेस. फूड चेन कैसी होती है, एक सिक्वेंस वाइज प्रोसेस है. आपने देखा ये सिक्वेंस है, यहाँ पे कोई सिक्वेंस नहीं है. विच रिप्रेजेंट हु ईट्स हुम, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है कि कौन किसे खाने वाला है, ये फूड चेन में हो गया जो कि एक सिक्वेंस वाइज है. फूड चेन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन अ सिक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. एक एनर्जी ट्रांसफर होती है डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स में. These biotic groups are producers, herbivory, carnivory. अब ये क्या होते हैं, producers होते हैं, herbivory होते हैं, carnivory. जैसे इसमें आपने देखा T1 first आपके grass हो गए, second आपका इसमें T2 deer हो गया and lion. जैसे अब grass है, grass को कौन खा जाएगा, deer खाएगा, deer को कौन खा जाएगा, lion खा जाएगा. तो एक sequence wise आपका food chain. इसमें देखिए example of food chain में, simple food chain operating in a grasslands or a forest grasses. प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरी, कार्निवोरी, डियर एंड लैन. इन अ फूड चैन ग्रास रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ग्रास सिंथेसाइज कर लेगा देयर ऑन फूड खुद बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से. पढ़ लिया था अभी हमने. ग्रास इज ईटन अप बाय द डियर. अब ग्रास को कौन खा जाएगा, डियर खाएगा. विच रिप्रेजेंट द हर्बीवोरी, जो हर्बीवोरी के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्राइमरी कंज्यूमर. डियर इन टर्न इज कंज्यूम बाय द लायन. अब लायन को, लायन किसे खाएगा, डियर को खा जाएगा. अगर डियर ने घास खाई है तो अब डियर को भी तो कोई खाने वाला होगा, क्यों, अगर बहुत सपोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा प्रोड्यूसर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी ग्रासेस हैं, तो अब डियर अगर घास नहीं खाएगा तो प्लेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अब डियर ने घास खा लिया, अब जब डियर घास उसको प्रॉपर अमाउंट में खाना मिल रहा है तो उसको भी तो कोई खाने वाला चाहिए. अगर नहीं खाएगा तो डियर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बाय द कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर. अ फूड चेन इज ग्रास लैंड विच हैज़ द 4 step. ग्रास लैंड में आपके 4 step होते हैं. कौन कौन से, ग्रास प्रोड्यूसर्स होती है, इंसेक्ट्स होते हैं हर्बीवोरी, फ्रॉग कार्निवोरी, एंड आपके सेकेंडरी कार्निवोरी आपके हो गए ईगल. ये आपके ग्रास लैंड्स में थे. ठीक है.
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आपके पिक्चर्स हैं, फूड चेन फूड वेब आपको बताया हुआ है। फूड चेन में आपने देखा ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स है, सनलाइट से अपना खाना बना लिया, ठीक है। अब इसने आके प्राइमरी कंज्यूमर आपका ग्रास ओपर था, इसने आके आप इसको खा लिया, मतलब जो ग्रीन ग्रासेस है उसको खा लिया। अब ये आई जी यहाँ पे फ्रॉग, तो मेंढक ने क्या किया, इससे इंसेक्ट को खा लिया। अब इससे भी इनसे बड़ी एनर्जी लेवल के हैं कौन है, स्नेक, तो स्नेक ने आके इसको खा लिया। फिर स्नेक से भी बड़ी एक एनर्जी है किसके पास, ऐसा ईगल के पास, ईगल ने इसको खा लिया। ईगल भी तो कभी डेड होगा, जब ईगल डेड होगा तो डिकम्पोज होने में हेल्प करेगा कौन, ऐसा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैठे हैं, फंजाई बैठे हैं कि भाई आ जाओ हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, ठीक है, तुम्हें डिसॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारा पार्ट फूड चेन का। फूड वेब में हमने क्या देखा, या फूड वेब में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ये तो हमारी सिंपल सी साइकिल थी, ख़त्म हो गई। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या बताता है, ये आपके, ये है आपका यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये आपके कैसे हो गए, यहाँ पे ये सन हो गया, सन की रेडिएशंस हो गई, ये आपकी प्लांट्स हो गए, प्लांट्स ने इसको कंज्यूम कर लिया। अब इसने किसको कंज्यूम करा, ये आपके यहाँ पे स्पाइडर्स हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया जो कि आपका ये रेड के फॉर्म में है। अब आप देख रहे हो ये देखो, ये इसके इसको भी खा सकता है, ये डायरेक्ट ये इसके पास भी जा रहा है, ईगल के पास, हॉक के पास। यहाँ पे आपने देखा इसके पास स्पाइडर के पास भी आ गया, ये स्पाइडर के पास डायरेक्टली यहाँ से किसके पास चला गया, यहाँ पे ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, इसमें आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इसमें आपका आपका आउल आ गया, ठीक है, और ये इसको भी खा लेगा। तो ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी सी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये। द फूड द स्टडी ऑफ द फूड चेन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप एंड द इंट्रैक्शन अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। द फूड चेन ट्रांसफर एनर्जी एंड मटीरियल्स बिटवीन द वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये आपको ये बताता है फूड चेन की किस तरीके से स्पीशीज आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, और इंटरेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंटरेक्शंस नहीं होगा तभी आपस में स्पीशीज अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट, द फूड चैन ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी को भी ट्रांसफर कर दिया, एंड मटेरियल्स बिटवीन द वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। और द बायोस्फीयर, द फूड चैन गिव्स डायनामिटिकसिटी टू एन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स वीडीसाइड थ्रू द फूड चैन कैन प्रूव द वेरी हार्मफुल। अब आपको पता है एक जैसे सपोज डियर था, अगर उसमें आपका जो आपकी ग्रासेस हैं उसमें हमने वी कैन यूज़ अ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स एज अ केमिकल फॉर्म, हमने उसको यूज़ किया, डियर आया, डियर ने उसको खाया, अब डियर के पास आ गया वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। अब डियर ने आके डियर को कौन खा जाएगा, लाइन खा जाएगा, लाइन के पास आ गया, तो आपने देखा वो ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो ही रही है, साथ के साथ जो भी आपका केमिकल भी हो रहा है वो भी तो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। चलिए तो वो भी हमारा हार्मफुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फूड वेब, फूड वेब में क्या करते हैं, द इंटरकनेक्टेड फूड चैन ऑपरेटिंग इन अ इकोसिस्टम। बहुत सारी फूड चैन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, विच स्टैब्लिश अ नेटवर्क, इसने एक नेटवर्क बना दिया है, एक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्पीशीज आर कॉल्ड अ फूड वेब। इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई इन अ पोजिशन इन अ मोर देन वन फूड चैन। एक ऑर्गेनिज्म एक पोजिशन से बैठा है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आके उसको खा सकते हैं। An organism can obtain its foods from the different sources and in turns may be eaten by the different types of organism. Different type of organism उसके different sources हैं, उसको आके खा सकते हैं। ये आपका हुआ food chain और food web, ठीक है। तो चलते हैं, अब ये हमारा यहाँ पे finish हुआ। अच्छा, इसके बाद अब हम जो अपना next lecture में जो करेंगे वो हम अपना करेंगे, यहाँ पे हमारा जो 10% law आएगा, ठीक है, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, उन्होंने प्रपोज किया था अब कैसे अपनी एनर्जी का लेवल ट्रांसमिट होता है। इसके बाद एक टॉपिक बेटा इसमें आता है आपका ओजोन लेयर, जो ओजोन आपकी डिप्लीट हो रही है उसके रीजंस क्या हैं, वो कौन सी डिसीज कॉज कर सकते हैं, एंड इसमें आपके कुछ एक गार्बेज को लेकर क्वेश्चंस है कि हमें डिस्पोजल क्या करना चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।